हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज आप लोगों के लिए एक नया पीडीएफ भारतीय दंड संहिता 1860 इस टॉपिक का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। जिस किसी भी चाहिए तो वो जाकर के ले सकते हैं। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। आप जिसको चाहिए वो जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। पीडीएफ दो पार्ट में है, एक है जो कि कंबाइंड पीडीएफ है जिसमें भारतीय दंड संहिता का हैंड रिटन नोट्स और आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह है। और जिनको नोट्स नहीं चाहिए, केवल प्रैक्टिस सेट ही चाहिए, तो एक अलग से प्रैक्टिस सेट भी दे दिया गया है। एक तो कंबाइन है जिसमें आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों मिलेगा, और दूसरा सेपरेट है जिसमें आपको केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो दोनों ऑप्शन है, जिसको जिस प्रकार से जिसका जो चॉइस है वो जाकर के ले सकता है। ये जो इस बार मेरे को ये पीडीएफ कराने देने का मन नहीं था, उसका एक रीज़न है। देखिए क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही कमेंट आया कि आप पर्टिकुलर इस बुक का, मैं कोई कोचिंग सेंटर के बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, इस कोचिंग सेंटर के बुक का आप प्रैक्टिस सेट उठा करके कट कॉपी पेस्ट मार करके आप पैसे कमा रहे हैं। ऐसे कमेंट आए, एक नहीं दो तीन कमेंट आए। तो सुनिए, आप लोग को इसका जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। मैं किसी भी कोचिंग सेंटर के बुक का कट कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा हूँ। किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर आप बुक में देख रहे हैं उसमें सिमिलैरिटी मिल रही है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सभी स्टेट से क्वेश्चन कलेक्ट किया है मैंने कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। मैं किसी कोचिंग सेंटर से उठाए कट कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा हूँ। कोई कोचिंग सेंटर जो है वो पर्टिकुलर, वो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोचिंग सेंटर कट कॉपी पेस्ट मार रहा है, उसके पास भी यदि कंटेंट सेम मिल रहा है और मेरे प्रैक्टिस सेट पे अगर यदि कंटेंट सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कट कॉपी पेस्ट मारा है। इसका मतलब ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, इतना समझ लीजिए। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। देखिए अभी हमारा कितने सब्सक्राइबर हो गए, लगभग 19,000-20,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। अगर मैं कोई कंटेंट उठा करके अगर कट कॉपी पेस्ट मारूंगा तो मैं क्या इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ क्या कि जो 19,000 की भीड़ में किसी एक को ही मालूम नहीं चलेगा? मेरे पास से कंटेंट चोरी होते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट करके बोल रहा हूँ कि इसने मेरे कंटेंट चुराया है, तो मुझे इतना तो मालूम होगा ना कि अगर मैं एक गलती करूँगा तो मेरे ऊपर भी उंगली उठाने वाले बहुत लोग होंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ कर रहे हैं, पीडीएफ के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कौन बोल रहा है आपको पीडीएफ लेने? मैं हर बार सेंटेंस बोलता हूँ, जिस किसी को चाहिए वो जाकर के ले सकता है। ये नहीं बोलता कि जिसको जिसको चाहिए ये इंपॉर्टेंट है इसको ले ही लीजिए, ऐसे कभी नहीं बोलता मैं। जिसको चाहिए वो जाकर के ले सकता है। पीडीएफ में कोई नया चीज नहीं रहता। बोर्ड पे जो जो चीज मैंने लिख करके रखा है उसी चीज को मैं एज इट इज आपको पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स बना के दे रहा हूं। और वो उन लोगों के लिए नहीं है जो घर में बैचलर है, ये उन लोगों के लिए है जो आपके जॉब में रहते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग आवर के कारण उनके पास नोट्स बनाने के लिए समय नहीं है। ये पीडीएफ मैंने उनके लिए बनाया है। आपके पास समय है तो मेहनत कीजिए, कंटेंट तो आप लोग के सामने है। सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं ना, मार्केट से कोई ना कोई तो बुक लिए होंगे। आप सभी को मालूम है मार्केट में बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित के नाम पे किस प्रकार के बुक दिए गए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस बुक से। समझ में केवल उन्हीं लोग को आ रहा है जो सिविल जज की तैयारी कर चुके हैं। कितना समझ में आ गया आप लोग को बुक से? खरीदे तो है ना, 150-200-250 रुपए के रेट के बुक अवेलेबल है। किसी में कुछ समझ में आया है? मेहनत किया हूं, बनाया हूं, करके उसका पैसा ले रहा हूं, फ्री में नहीं ले रहा हूं। आपके पास समय है, करिए मेहनत। यहां से सब चीज कंटेंट अवेलेबल है, नोट्स बनाइए। क्या चाहते हैं? फ्री में कोई पढ़ा भी दे, उसके बाद हमको कोई फ्री में नोट्स भी दे दे, कोई प्रैक्टिस सेट भी दे दे, अटेम्प्ट भी कर दे। ऐसे कीजिए, आप ये भी कर लीजिए कि किसी को दूसरे को भेज दीजिए एग्जाम देने के लिए, वही आपका एग्जाम दे देगा, फिर पोस्ट पा लीजिएगा। आज के डेट में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? किसी, आप तैयारी कर रहे हो ना गवर्नमेंट जॉब का, क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए ही ना। आपके अंदर ये भावना तो नहीं है कि समाज सेवा करेंगे करके? 100 की भीड़ में केवल 2 लोग ऐसे निकलते हैं जो समाज सेवा के लिए तैयारी करते हैं, हर कोई नहीं करता। सीएम आपका सीजीपीएससी का जब फॉर्म भरते हैं, मुख्य परीक्षा का जब फॉर्म भरते हैं ना, जब मुख्य परीक्षा में जब पोस्ट चुनने के लिए किसको प्राथमिकता देंगे, किस पोस्ट को चुनने के लिए, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा है, किस पोस्ट में बाहरी इनकम ज़्यादा है। आज के डेट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। कंटेंट मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो आप इतना दिमाग में भर लीजिए।
चीज़ें आपके सामने हैं, सीएमओ के बुक अवेलेबल है, मार्केट में जाके लीजिए, पढ़ लीजिए हर चीज। अब आपको देखिए मैं आपको क्या बताऊं, बिलासपुर का एक कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है करके, एक कोचिंग सेंटर है जो 3,500 रुपये फीस ले रहा है सीएमओ के कोर्स कंप्लीट कराने के लिए। उसके अलावा उसने क्या किया है, मेरे लेक्चर्स को क्विक रिवीजन के लिए मेरे लेक्चर्स को अपने क्लास में ऑनलाइन चला रहा है वो। प्रूफ नहीं है करके ये चीज़ों को मैं सामने नहीं ला पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरे करंट अफेयर के कंटेंट चोरी करके पूरे के पूरे मार्केट में बुक अवेलेबल करा करके खूब पैसे कमाए गए, तब मैं क्या बोलूँ। भाई मेहनत कर रहा हूँ उसका पैसा ले रहा हूँ, मेहनत कीजिए, कंटेंट उतारिए, पढ़ना चालू कीजिए। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो पे कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको पे करना है। सब चीज़ें सामने मौजूद है, नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स से ज़्यादा चीज़ें याद होती है, यदि नहीं बना सकते तब के लिए PDF है। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब में जाते हैं जिनके पास नोट्स बनाने के लिए समय नहीं है। और ये जो आप PDF बोल रहे हो ना कि पैसा कमा रहे, एक चीज़ याद रखना, मेरे पास से कम से कम 15-20 PDF फ्री में जाते हैं ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि अब वो क्या पढ़ पाएंगे, लेकिन वो बेचारे मेहनत करके दूसरे से पढ़वा करके इससे पढ़ रहे हैं। मैं उनसे पैसा नहीं लेता, उनको व्हाट्सएप में फ्री में शेयर कर रहा हूं मैं। वो अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं, आपके साथ आपके पास तो आंखें हैं पढ़ने के लिए, वो सॉफ्टवेयर से उन चीज़ों को रीड करके पढ़ रहे हैं। तो भाई उंगली उठाने से पहले ना 10 बार सोच लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग, है ना। ऐसे मुंह उठा करके मत बोलिए, क्योंकि 20,000 के भीड़ में किसी एक को बेवकूफ, मैं ऐसे किसी को चोरी करके कुछ चीज़ परोसूंगा और किसी को मालूम नहीं चलेगा सोचूंगा तो मैं फिर बेवकूफ हूं। ऐसे मेहनत के लिए उंगली मत उठाया करो यार, थोड़ा बेकार लगता है ना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए अध्याय 16, जिसमें आपका मानव शरीर में प्रभाव डालने से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 299 जिसमें बताया गया, देखिए मानव शरीर में प्रभाव डालने मतलब आप कोई ऐसा अपराध करते हैं जिससे मानव शरीर प्रभावित होता है। मानव शरीर प्रभावित होता है मतलब आप किसी के ऊपर हमला करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में है। धारा 299 बताया गया है आपका आपराधिक मानववध। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आपराधिक मानववध है और ये जो हत्या है, दोनों मिलते जुलते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे किस चीज़ को आप आपराधिक मानववध कहेंगे और किस चीज़ को हत्या कहेंगे, दोनों एकदम सिमिलर दिखते हैं। देखिए जो आपराधिक वध है, आपराधिक वध में क्या होना चाहिए, किसी एक आशय से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई हमला किया जाता है, लेकिन उनके नॉलेज में नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर किसी आशय से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति हमला करता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के नॉलेज में नहीं था, उसकी जानकारी में नहीं था कि यदि मैं हमला करूंगा तो सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था उसको जान से मारने का, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मर गया, तो उस कंडीशन में वो कहलाएगा आपराधिक वध, वो हत्या नहीं कहलाएगा। हत्या और आपराधिक वध में आपका डिफरेंस है। देखिए अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मतलब मृत्युकारित हो गया, तो धारा 299 में आपके आपराधिक वध के बारे में बताया गया है और धारा 304 में आपका इस आपराधिक वध की जो सजा के बारे में बताया गया है। 304 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का आपराधिक वध करता है तो उस कंडीशन में आजीवन कारावास या 10 साल की सजा होगी। वो डिपेंड करेगा परिस्थिति पे कि किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति की आपराधिक हत्या की गई, सॉरी आपराधिक वध किया गया, उसके हिसाब से उसे आजीवन कारावास या 10 साल की सजा का प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, नॉलेज में नहीं था। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में एकदम कूल माइंड बैठे हुए हैं या अपने घर में एकदम कूल माइंड बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति आया और आपको एकदम बुरा भला बोल रहा है, आपने जो गलती किया नहीं, जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है सेम वही सिचुएशन, आपके पास अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा भला बोल रहा है, आपके पास यहाँ पे पेपर वेट पड़ा हुआ है, पेपर वेट को आपने उठाया और उसको मार दिया, आपने उसे इस इंटेंशन से नहीं मारा था कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए, लेकिन पेपर वेट उसके सिर में जाके लगा और व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आप एकदम कूल माइंडेड बैठे हुए थे, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ जिसके कारण आपका टेंपर लेवल काफ़ी हाई हो गया, आपने गुस्से से या प्रकोपन में आकर के पेपर वेट उठा के उसके सिर में मारा, लेकिन आपने उसको चोट पहुंचाने के उद्देश्य से जरूर मारा था, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो उस कंडीशन में वो आपका हत्या ना कहला करके क्या कहलाएगा, आपराधिक वध।
ठीक, इसका एक स्पष्टीकरण समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पष्टीकरण नंबर तीन, ये आपके धारा 299 के स्पष्टीकरण नंबर तीन में आपके शिशु वध के बारे में बताया गया है। शिशु वध क्या होता है? जैसे अगर किसी माता के गर्भ में यदि किसी शिशु की आपको उसको जान ले ली जाती है, मतलब कई बार ऐसा केस होता है कि माँ को बचाया जाए कि या शिशु को बचाया जाए, ऐसा वाला यदि कोई केस होता है कि यदि माँ के आपके गर्भ के अंदर ही किसी शिशु को यदि मारा जाता है, ठीक, तो उस कंडीशन पे वो शिशुवध नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो माँ के गर्भ में है, अभी तक वो दुनिया में आया नहीं है। लेकिन यदि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उस शिशु का शरीर का कोई भी भाग माँ के गर्भ से बाहर आ जाए, उस शिशु के शरीर का कोई भी भाग यदि माँ के गर्भ से बाहर आ जाए, भले ही उस शिशु ने सांस नहीं लिया हो, आप सभी को मालूम है कि माँ के गर्भ से बाहर आने के कुछ मिनट बाद वो शिशु सांस लेता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है, माँ के गर्भ में यदि उस शिशु की मृत्यु होती है तो वो वध नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर माँ के गर्भ से उस शिशु का कोई भी एक भाग अगर उस माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन पर यदि उस शिशु को मारा जाता है तो वह आपका आपराधिक वध कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। अब देखिए धारा 300 जिसमें बताया गया है आपके हत्या के बारे में, हत्या मतलब मर्डर, देखिए सेम है, आशय से चोट पहुंचाने के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ पे नॉलेज में था कि पर्टिकुलर मैं मारूंगा तो वो व्यक्ति मरेगा ही, ठीक। देखिए इसमें क्या है, नॉलेज में था, इसमें क्या था, नॉलेज में नहीं था। इसमें जैसे समझ लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने बहुत भला बुला, जैसे आप बैठे हुए ऑफिस में बहुत भला बुरा बोल के गया, आपके मन में गुस्सा है, गुस्सा भर के रखे आपने, आपने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब आपके दिमाग में वो बातें बार बार चल रही है, आप उससे बदला लेने के लिए उसे 3-4 दिन बाद एक प्लानिंग करके, एक मर्डर प्लान करके उसको मार रहे हैं। मतलब ये क्या है, एक सोची समझी साजिश है, आपके नॉलेज में है, आप उस व्यक्ति को पर्टिकुलर मारना ही चाह रहे हैं, ठीक। यहाँ क्या है, ये सडन रिएक्शन था, लेकिन यहाँ क्या है, आप पर्टिकुलर प्लान करके मार रहे हैं, जो घटनाक्रम बहुत पहले हो चुका है उसका बदला आप अभी ले रहे हैं हत्या करके, तो ये होती है आपकी हत्या। यदि इस कंडीशन पे आपके जो सामने वाले की मृत्यु होती है तो धारा 302 के अंतर्गत आपको मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा होगी, ठीक। इसका और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए आप सभी के सभी क्रिकेट खेले होंगे, क्रिकेट खेलते समय जब तक खेलते रहते तब तक ठीक है, लेकिन आपस में ही दोस्त दोस्त में यदि झगड़ा हो जाता है तो बैट उठा करके आप सामने वाले दोस्त के सिर में मार दिए, ठीक। ये क्या है, ये है आपका आपराधिक वध, अगर वो सामने वाला आपका दोस्त मर गया तो वो कहलाएगा आपराधिक वध। क्यों? क्योंकि खेल रहे थे, गुस्सा आया, उठाया, फेंका, मारा और वो मर गया। ये भी इसके लिए भी सजा का प्रावधान है, लेकिन यहां पे क्या है, गुस्से में आकर के आपने बैट उठा के मारा, भले ही चोट पहुंचाने का उद्देश्य था लेकिन जान से मारने का उद्देश्य नहीं था आपके दोस्त को, लेकिन आपको मालूम है कि आपके दोस्त के सिर पे टाके लगे हुए हैं, उसके सिर में घाव है, आपको पहले से इस चीज की जानकारी है। अब आप गए क्रिकेट खेल रहे, गुस्सा आया, बैट उठा के उसके घाव वाले जगह पे ही मार दिया आप, उस आपको मालूम था कि उस जगह पे उसका अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, वहां पे टाके लगे हुए हैं, आपने मार दिया, उसका सर फट गया और वो मर गया, तो इस कंडीशन पे वो आपराधिक वध ना कहला करके वो क्या कहलाएगा, आपका हत्या, ठीक। तो इस कंडीशन में मृत्यु और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब देखिए इसी धारा 300 के अंतर्गत कुछ अपवाद बताए गए हैं आपराधिक मानव वध, जो कि हत्या नहीं है, ठीक। मतलब ये जिसमें क्या बताया गया है, आपके हत्या के बारे में बताया गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आपराधिक मानव वध कहलाएंगे, हत्या नहीं कहलाएंगे, ठीक। यहाँ नहीं नहीं लिखा है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ जो अपवाद है जो पर्टिकुलर आपका, देखिए जैसे मैंने जो एग्जांपल यहाँ दिए वो एग्जांपल ही है, तो इसमें अपवाद क्या बताया गया है, कुछ आपराधिक मानव वध जो आपका हत्या नहीं कहलाएंगे, मतलब आपराधिक मानव वध के अंतर्गत कहलाएंगे। देखिए गंभीर प्रकोपन में, गंभीर प्रकोपन पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप बैठे हुए कूल माइंड में आपको किसी ने आके बोला ना आपने पेपर वेट उठा के मार दिया, तो वो हत्या नहीं है, वो क्या है आपका, ये है आपराधिक वध, ठीक। मतलब इसमें स्पेसिफाई किया गया है धारा 300 के अंतर्गत ही कि पर्टिकुलर इस कंडीशन पे यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो हत्या ना कहला के आपराधिक वध कहलाएगा। निजी सुरक्षा में, मतलब सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में जैसे हमने पढ़ा हुआ है आपका धारा 99 और 100 के अंतर्गत, यदि सेल्फ डिफेंस में आप किसी व्यक्ति को मारते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन पे वो आपका हत्या नहीं कहलाएगा, वो एक प्रकार का आपराधिक वध कहलाएगा सेल्फ डिफेंस में। लोक सेवक शक्ति प्रयोग, लोक सेवक शक्ति प्रयोग मतलब आप सभी को इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे पुलिस कस्टडी में यदि किसी अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी होता है, उसके अंतर्गत भी ये आपराधिक वध कहलाएगा, ये आपका किसी भी प्रकार का आपका ये हत्या नहीं कहलाएगी, ठीक।
नेक्स्ट है अचानक लड़ाई, वही आपके क्रिकेट के मैदान में एकदम अचानक जो लड़ाई चालू हो जाती है, ठीक। तो ये सभी के सभी आपके आपराधिक वध है, ये आपकी हत्या के अंतर्गत काउंट नहीं होते। अब देखिए धारा 304, धारा 304 ख इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। धारा 304 ख के अंतर्गत आपके दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। दहेज मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर, इंपॉर्टेंट है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर यदि किसी स्त्री या किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, कंडीशन क्या है, 7 साल के भीतर, आज शादी हुई है किसी लड़की की तो आज से 7 साल तक अगर उस लड़की की मृत्यु हो जाती है सामान्य परिस्थिति से भिन्न, सामान्य परिस्थिति मतलब अटैक आके मृत्यु हुई है ना, या फिर आपका पैर फिसल के बाथरूम में सिर में चोट लगा मृत्यु हुई, वो सामान्य परिस्थिति है, लेकिन सामान्य परिस्थिति से भिन्न आग लगने से मृत्यु हुई, या किसी आपकी नवविवाहिता ने आपका अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके ही अपने आप को आग लगा लिया, तो वो है आपका सामान्य परिस्थिति से भिन्न। तो इस कंडीशन पे यदि पति या रिश्तेदार द्वारा पहले दहेज की मांग को लेकर के उसको प्रताड़ित किया गया है और इसे क्या है, इसकी जानकारी है, मतलब लड़की घर वालों को इसकी जानकारी है कि दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपका सामान्य परिस्थिति से भिन्न यदि 7 साल के भीतर, विवाह के 7 साल के भीतर उस महिला की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस दहेज मृत्यु के लिए जो दंड का प्रावधान है वो कम से कम 7 साल है। 7 साल की सजा होगी ही, जिसको विस्तारित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है आजीवन कारावास तक। अब ये डिपेंड करेगा कि किस परिस्थितियों में उस महिला की मृत्यु हुई है। तो याद रखिएगा दहेज मृत्यु जो कि दिया गया है धारा 304 के अंतर्गत, जिसमें आपका विवाह से 7 साल के भीतर यदि किसी महिला की, तो इस कंडीशन में पति और रिश्तेदार जिस जिसने उसे प्रताड़ित किया है उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है इस आपका सेक्शन 304B यानी धारा 304 ख के अंतर्गत, दहेज मृत्यु के अंतर्गत आपका 7 साल की सजा का प्रावधान है जिसे बढ़ाया जा सकता है आपके आजीवन कारावास तक के लिए, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 305, धारा 305 जिसके अंतर्गत बताया गया है आपके शिशु या उन्मत्त व्यक्ति आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषण करना, मंस किसी आपका शिशु के लिए, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति मतलब जो आपका मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब जो पागल है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उस व्यक्ति को यदि आप आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करते हैं, कोई व्यक्ति शिशु या आपका उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उन्हें दुष्प्रेरित करता है, तो उस कंडीशन में आपका मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल के सजा का प्रावधान है। जो कोई भी व्यक्ति शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उस कंडीशन में आपका मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट धारा 306 जिसमें आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण के बारे में हम पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है दुष्प्रेरण, मतलब किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उसे मोटिवेट करना, उसे प्रेरित करना, उकसाना, वो होता है दुष्प्रेरण। तो वही बताया गया धारा 306 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को आप आत्महत्या करने के लिए उसे उकसा रहे हैं, मतलब ऐसा कंडीशन उसके सामने अराइज कर दे रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले, ठीक, तो आत्महत्या करने के लिए कोई यदि दुष्प्रेरित करता है तो इस कंडीशन में 10 साल के सजा का प्रावधान है, ठीक। धारा 309 जिसके अंतर्गत आत्महत्या करने के प्रयास, यदि कोई व्यक्ति स्वयं से अपनी जान लेना चाहता है यानी आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में 1 साल के सादा कारावास का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आत्महत्या करने का यदि कोई प्रयत्न करता है तो उस कंडीशन में 1 साल के सादावास का आपका प्रावधान है। धारा 319 जिसके अंतर्गत आपका उपहति या चोट के बारे में बताया गया है, उपहति या चोट, देखिए एक्चुअली इसमें जो बताया गया है ये जो आपका सेक्शन बना है ये आपके घोर उपहति क्या होता है उसे बताने के लिए बताया गया है। देखिए उपहति मतलब होता है चोट, घोर उपहति मतलब गंभीर चोट, किसी को इस प्रकार से उस पर हमला करना कि वो एकदम आपका उस पर गंभीर चोट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति पर इस प्रकार से हमला करते हैं कि उसकी जो जीवन है संकटापन्न स्थिति में आ जाए, ठीक, मतलब उसके लिए जीना ही मुश्किल हो जाए, इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हमला करता है यानी जीवन संकटापन्न स्थिति में आ गया, या फिर 20 दिन तक वह असमर्थता की स्थिति में रहा, 20 दिन तक वह असमर्थता की स्थिति में रहा यानी कोई किसी भी प्रकार का वह कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो आएगा आपका घोर उपहति के अंतर्गत। घोर उपहति का यदि एग्जाम्पल लूँ तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जाकर के ऐसे मारा कि उसका आँख ही फूट गया, कान में मारा तो कान फूट गया, डंडा पकड़ के उसके पैर में मारा तो पैर टूट गया,
इसका एक्सट्रीम एग्जांपल है आपका एसिड अटैक। यदि किसी व्यक्ति ने तेजाब फेंका किसी लड़की के ऊपर तो पूरा का पूरा उसका जिंदगी बर्बाद हो गया ऐसा समझा जाता है। तो ये कंडीशन है आपका घोर उपाधि का। तो घोर उपाधि कब माना जाएगा? जीवन संकटापन्न स्थिति में आ जाए, मतलब एसिड अटैक, या फिर 20 दिन तक, कम से कम 20 दिन तक आपका जो है वो आपका कार्य करने में असमर्थ रहे, किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ रहे। पूछा गया क्वेश्चन है 20 दिन वाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो 20 दिन तक यदि वह कार्य करने में असमर्थ है तो वो घोर उपाधि के अंतर्गत काउंट होगा। धारा 326 जिसके अंतर्गत बताया गया है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा उपहति। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा उपहति का मतलब देखिए एक्चुअली में इसके अंदर ही बताया गया है आपके एसिड अटैक के बारे में। धारा 326 में बताया गया है आपके एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक जिसमें यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर एसिड से यानी तेजाब से हमला करता है तो उस कंडीशन में उस पर 5 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। देखिए एसिड अटैक के केस में 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब मान लीजिए किसी ने व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर तेजाब फेंक दिया, उस कंडीशन में सॉरी यदि पीड़ित जीवित अवस्था में है, तेजाब फेंक दिए लेकिन पीड़ित जीवित अवस्था में है तो 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन तेजाब फेंके और पीड़ित मर गया तो वो किस में काउंट होगा? आपका ये हत्या के अंतर्गत, धारा 300 के अंतर्गत काउंट होगा, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट है आपका व्यपहरण और अपहरण। व्यपहरण जिसे कहा जाता है किडनैपिंग और अपहरण जिसे कहा जाता है आपका एब्यूडिक्शन। देखिए कई लोग सोचते हैं अपहरण का मतलब होता है किडनैपिंग, ऐसा नहीं है। व्यपहरण का मतलब है किडनैपिंग और अपहरण का मतलब है आपका एब्यूडिक्शन। देखिए धारा 359 के अंतर्गत आपके व्यपहरण यानी किडनैपिंग के बारे में बताया गया है। व्यपहरण धारा 359 के अंतर्गत आपके व्यपहरण के प्रकार के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार से व्यपहरण किया जा सकता है। या तो भारत में से उसका व्यपहरण करें, भारत में से उसका किडनैपिंग करें, कहीं दूसरे जगह लेके चले जाए, किसी दूसरे देश में लेके चले जाए, और विधिपूर्ण संरक्षण में व्यपहरण, विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण। इसका मतलब जो आपके गार्जियन है, माता पिता है, माता पिता हो गया, जो लोकल गार्जियन हो गए, उनसे परमिशन लिए बगैर किसी व्यक्ति को उसके मतलब उनसे परमिशन लिए बगैर उनसे दूर लेके जाना, ठीक। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सम्मति के बिना या सहमति के बिना या फिर आपके भका करके। देखिए ये तो है आपका 359 में बताया गया है व्यापहरण के प्रकार क्या क्या है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यापहरण। अब 360 और 361 में इन दोनों प्रकार के डिटेलिंग बताई गई है। भारत में से व्यापहरण इस केस में क्या है, यदि किसी व्यक्ति को उसके सम्मति के बिना या बहका करके भारत में से कहीं और ले जाए, भारत की सीमा से बाहर ले जाए। इसका एग्जाम्पल जैसे आप सभी को मालूम है कि भारत में से बहुत से मजदूरों को एजेंट लोग दुबई सऊदी लेकर के जाते हैं काम करवाने के लिए। अब किसी मजदूर को कोई एक एजेंट लेके चले गए कि वहां तुमको पर्टिकुलर वहां पे आपको ठेके का काम है, मतलब सिविल का काम है, तो वहां लेके तो चले गया लेकिन वहां आप क्या करा रहा है, वहां उसे सिविल ना करा करके किसी शेख के यहां वो उससे मजदूरी मतलब एक गुलाम वाला काम करवा रहा है, ये कहलाएगा किडनैपिंग। क्यों? क्योंकि उसे बहका करके लेके गया, उसे क्या बोल के लेके गया था वो कि मैं तुमको सिविल का काम दिलवाऊंगा, ठेका का काम करवाऊंगा, लेकिन वो उसे किसी शेख के यहां वो उसे नौकर का काम दिलवा दिया, तो ये किडनैपिंग के अंतर्गत काउंट होगा, ठीक। अब सेकंड है आपका विधिपूर्ण संरक्षण में व्यापहरण। विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यापहरण, इसमें देखिए दो कंडीशन है। पहला है नर मतलब लड़का जिसकी आयु 16 साल से कम है, नारी यानी लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 16 साल से कम लड़के कंडीशन में, लड़की के कंडीशन में 18 साल से कम, ठीक। देखिए ये जो है ये समझा जाता है कि लड़का का जो उम्र है 16 साल से यदि कम है और लड़की का उम्र 18 साल से कम है तो ये अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले सकते, इनसे संबंधित जो डिसीजन कौन लेंगे, इनके माता पिता या इनके गार्जियन, विधिपूर्ण संरक्षक, वे इनका डिसीजन लेंगे। यानी अगर ये जो लड़का है जिसकी उम्र 16 साल से कम है और लड़की है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसे अगर कहीं ले करके जाना है तो उसके विधिपूर्ण संरक्षक जो है यानी माता पिता या लोकल गार्जियन है, उनसे सम्मति लेना आवश्यक है। लेकिन इसमें क्या बताया गया, सम्मति के बिना, विधिपूर्ण संरक्षक के सम्मति के बिना यदि कोई लड़का है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और लड़की है जिसकी उम्र, लड़का है जिसकी उम्र 16 साल से कम है और लड़की है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसे कहीं लेके चले जाता है तो वो किडनैप
किडनैपिंग के अंतर्गत काउंट होगा। इसका एग्जांपल जैसे लड़की वाले केस में देखेंगे तो जैसे कोई लड़के लड़की जो प्यार करते हैं तो लड़का लड़की को 18 साल से कम उम्र में ही लेके चले गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ क्या है लड़की की उम्र 18 साल से कम है, उसमें क्या होगा, भले लड़की की मर्जी है, लड़की भले अपने मर्जी से उस लड़के के साथ गई है, लेकिन वो किडनैपिंग के अंतर्गत काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वह उसे विधिपूर्ण संरक्षक के परमिशन के बगैर उसे लेकर के गया है। ठीक, भले ही लड़की की सहमति क्यों ना हो, वह अपने मन से वो लड़के के साथ गई है, लेकिन वो किडनैपिंग के अंतर्गत काउंट होगा इस आपके सेक्शन 361 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि उसकी आयु अभी 18 साल से कम है, उसके सारे डिसीजन उसके विधि पूर्ण संरक्षक के द्वारा लिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यापहरण या किडनैपिंग करता है तो उस कंडीशन में 7 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 362, जिसके अंतर्गत अपहरण या एब्यूडक्शन के बारे में बताया गया। देखिए यह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान बलपूर्वक विवश करके या फिर प्रवंचनापूर्ण, बलपूर्वक विवश करके या प्रवंचनापूर्ण उपायों से उसे ले के चले जाए एक स्थान से दूसरे स्थान। किसी एक व्यक्ति को यदि कोई दूसरा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बलपूर्वक विवश करके या प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा ले के चले जाए तो वो काउंट होगा आपका अपहरण के अंतर्गत। ठीक, देखिए बलपूर्वक विवश करके मतलब जोर जबरदस्ती करके उसका आपका अपहरण कर लिया, प्रवंचनापूर्ण उपायों से मतलब फ्रॉड करके, जैसे आपके पास फ़ोन किया कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आपका मतलब अपहरण करना चाहता है, आपके पास एक फ़ोन किया कि आपके पिताजी हमारे पास है, यहाँ यहाँ लोकेशन पर है, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, आप वहाँ पे चले गए और आपको वहीं से आपको अपहरण कर लिया गया, ये होता है आपका प्रवंचनापूर्ण उपायों से मतलब फ्रॉड करके। ठीक, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि जिसके कारण आपका वहाँ से अपहरण हो जा रहा है, ये होता है प्रवंचनापूर्ण उपायों के माध्यम से। तो ये जो अपहरण है, अपहरण में सबसे मेन चीज है मकसद, पर्टिकुलर इसका एक कोई मकसद होता है, अपहरण के कंडीशन में एक मकसद होता है। देखिए अभी ये जो है आपका अपहरण हमारे जो छत्तीसगढ़ में है, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, आपके बिलासपुर में एक व्यापारी के लड़के का अपहरण कर लिया गया था, अभी तो फिलहाल वो लड़का वापस आ चुका है, लेकिन जो अपहरण किया गया था इसका मकसद क्या था, फिरौती, अभी हम आगे पढ़ेंगे फिरौती के बारे में, इसका मकसद था आपका फिरौती, फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। आप सभी को मालूम है पहली बात वो अपहरण किस प्रकार का था, बलपूर्वक विवश करके, लड़का बाहर कबड्डी खेल रहा था उसको जबरदस्ती वैगनार कार में भर के ले गए। ठीक, अब इसका मकसद क्या था, 6 करोड़ की डिमांड, तो यह कहलाता है आपका अपहरण। ठीक, इसका एक पर्टिकुलर मकसद था। अब देखिए धारा 364 का, धारा 300, पहली बात तो ये जो अपहरण के केस में आपका 10 साल की सजा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, अपहरण के केस में आपका 10 साल की सजा हो सकती है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अब आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, कि कई लोग के आपके कमेंट आते हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको पढ़ने में दिक्कतें आ रही है। देखिए पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट भी याद रखिए और धाराओं को भी याद रखिए। अब बात यह आती है कि धारा बहुत सारे हैं कैसे याद रखेंगे, लेकिन देखिए आप पढ़ ही रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा धारा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये दहेज से मृत्यु, ये धारा इंपॉर्टेंट है। व्यापहरण किस आपका सेक्शन के अंतर्गत पूछा गया है उसे याद रखिए, अपहरण किस सेक्शन के अंतर्गत पूछा गया है उसे याद रखिए। पढ़ने से ही मालूम चलेगा कि आपको कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है सिलेबस कवर कराने का। ठीक, देखिए लेकिन मेरे जो बताना चाह रहा हूँ उसे समझिएगा, ये जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा व्यापहरण इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इसका धारा इंपॉर्टेंट है, उसका धारा इंपॉर्टेंट है। दहेज में मृत्यु, इसमें कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वही मैं बता रहा हूँ, पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूटी में रहेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ धारा पढ़ना है कहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखिए धारा 364 का, जिसके अंतर्गत फिरौती के लिए अपहरण के बारे में बताया गया है, फिरौती के लिए अपहरण के बारे में बताया गया है। ठीक, देखिए फिरौती के लिए अपहरण, वही हमारा बिलासपुर वाला केस जहां पे व्यापारी के लड़के का अपहरण किया गया, वहां पे क्या है, देखिए इसमें क्या है, धमकी दी जाती है,
धमकी दी जाती है, फिरौती के लिए अपहरण के केस में धमकी दी जाती है मृत्युकारित या घोर उपहति की। मृत्युकारित मतलब आप अगर फिरौती की रकम नहीं पहुंचाएंगे तो हम इसको मार देंगे, या फिर फिरौती की रकम नहीं पहुंचाए तो हम आपके लड़के के हाथ पैर तोड़ देंगे। तो ये यही बोल रहा है कि अगर इस कंडीशन में अगर कोई फिरौती के लिए कोई धमकी देता है, धमकी किस प्रकार का कि जान से मार देंगे या फिर घोर उपहति हम पढ़ चुके हैं, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, आँख फोड़ देंगे, कान फोड़ देंगे, ऐसे टाइप की घोर उपहति की यदि कोई धमकी देता है तो उस कंडीशन में फिरौती के लिए मृत्युदंड की सजा मतलब फांसी या आजीवन कारावास दोनों में से कोई भी एक सजा का प्रावधान है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 375। धारा 375 के अंतर्गत आपके बलात्संग के बारे में बताया गया है। बलात्संग मतलब बलात्कार, रेप केस के बारे में बताया गया है आपका धारा 375 के अंतर्गत, और धारा 376 के अंतर्गत बलात्संग के दंड के लिए बताया गया है। ध्यान दीजिएगा कहां पर केस के बारे में बता रहा है और कहां पर उसके दंड के बारे में बता रहा है। धारा 375 में रेप केस के बारे में बता रहा है और धारा 376 में आपके रेप केस के लिए आपके दंड का प्रावधान है। ठीक, देखिए अगर रेप केस में क्या दंड दिया जाएगा, देखिए बलात्संग के लिए दंड 10 साल का कठोर कारावास, कम से कम 10 साल, 10 साल से कम किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, 10 साल का कठोर कारावास। हम पढ़ चुके हैं कारावास 3 प्रकार के होते हैं, सादा कारावास, कठोर कारावास, एकांत कारावास। कठोर कारावास जिसमें श्रम लिया जाता है, पत्थर तुड़वाए जाते हैं, खाना बनवाए जाते हैं, उनसे श्रम लिया जाता है, वो होता है कठोर कारावास। तो 10 साल का कठोर कारावास कम से कम, जिसे बढ़ाया जा सकता है आजीवन कारावास तक, जो कि डिपेंड करेगा परिस्थितियों पर। ठीक, धारा 376 का जिसके अंतर्गत बताया गया है पीड़ित की मृत्युकारित या विकृतशील अवस्था, जिसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक, जिसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुए हैं, यदि वह पीड़ित या पीड़िता की यदि मृत्यु हो जाती है या विकृतशील अवस्था में पहुंच जाती है, यानी कोमा में चले जाती है, तो मृत्यु होने पर या विकृतशील अवस्था में जाने के कंडीशन में आपका मिनिमम 20 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, देखिए इस कंडीशन में क्या है, धारा 376 के अंतर्गत जो पीड़िता इसमें जिंदा है, तो जब पीड़िता जिंदा है तो उस कंडीशन में 10 साल का कठोर कारावास और आजीवन कारावास का प्रावधान है। 10 साल का कठोर कारावास है जिसे बढ़ाया जा सकता है आजीवन कारावास तक। अब जो धारा 376 का है उसके अंतर्गत यदि पीड़िता की मृत्यु हो रही है, पीड़िता यदि मर जा रही है, मृत्यु हो रही है या विकृतशील अवस्था यानी आपका कुआ में चले जा रही है, ऐसे टाइप का यदि कोई कंडीशन है तो उसमें मिनिमम 20 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए ये जो है इसमें और भी कई सेक्शन है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है तो इसका ज़्यादा मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसे थोड़ा समझिएगा। ठीक, तो देखिए ये इतना आपका सफिशिएंट है। ठीक, वैसे तो अभी रेप के जो केस है इसमें भी काफ़ी इसमें आपका नए नए लॉ आ चुके हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुका है, काफ़ी केसेस में आपके जब से निर्भया कांड हुआ है उसके बाद से इसमें काफ़ी कानून या काफ़ी अध्यादेश आए हैं जिसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं। अगर कोई रेप अटैम्प्ट होते हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्ट फांसी की सजा का भी प्रावधान है। अब लेकिन वो क्या है, वो कुछ अध्यादेश आए हैं, कुछ कानून आए हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता में जो उल्लेख है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता की धाराओं में जो दिया गया है मैं उसको बता रहा हूं। ठीक, तो ऐसे कोई कमेंट मत कीजिएगा कि मतलब इसमें अभी इस चीज का प्रावधान है, इसमें और भी कई प्रावधान है, यदि जो पीड़िता है वो 12 साल से कम है, 16 साल से कम है, और भी कई है, तो मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, अभी नेक्स्ट 2 वीडियो में आपका ये भारतीय दंड संहिता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।